पिया जी। हाँ जी। एक बात बताओ। पूछो। आज तुम चौपाल पे बैठे हुए हमारी औरत जात की पहनावे की बुराई कर रहे थे। किसकी चौपाल में बैठे हुए? गांव की चौपाल पे बैठे हुए। मैं तो महिपाल जी के धोरे जाकर के थोड़ी देर को बैठा था, और वहां पे अच्छाई बुराई तेरी करीबी हो तो उनके कान छोटे छोटे हो, ज्यादा सुने भी नहीं। उसने बहुत सुना है पिया जी। लेकिन हमने जो भी बात कही थी वहां पर सच्ची बात कही थी, आपस में बतला रहे थे। क्या आजकल पहरावा बदलता जा रहा है, औरतों के पहरावे पर चर्चा चल रही थी। अच्छा, तुम भी तो हमारी बुराई कर रही थी उस दिन। किस दिन कर रही थी? उस दिन जब बैठी थी। कहाँ बैठी थी? वहीं पे बैठी थी, स्टूडियो के पास में। अच्छा। हाँ, मैंने कोई बुराई नहीं की पिया जी। अभी थोड़ी देर पहले भी बैठी, आपस में बुराई कर रही थी। और मैं तो करूंगी। मेरे खड़े होते के साथ में भी बुराई करनी शुरू कर दी। मैं तो करूंगी। क्यों? तुम बुराई के काम करोगे तो बुराई करूंगी। क्यों जी, हम बुराई के काम कर रहे हैं भाई। हम बुराई के काम नहीं कर रहे। अच्छा। और ना हम बुराई सुने। अगर तुझे कोई बुरी बात लग रही है तो तुझे कोई संदेह है? संदेह है। तेरे संदेह को दूर करेंगे। संदेह को दूर तो तब करना, पहले ये बताओ। हाँ। हमारे पहराने में क्या बुराई है इसमें? आज तो ठीक है। हाँ। क्योंकि आज तू कामर में आई है, प्रोग्राम में आई है, मेले में आई है, रास मेले में आई है। अच्छा। तो आज मैंने जो अच्छी तरह से रास रचा रखा है। अच्छा। लेकिन कुछ बुराई है पहनावे में। क्या बुराई है बता दूंगा। मेरी बात सुन ले। कह दे। पिया कोटी जम्फर सहंगे की। अच्छा। चर्चा भरतार करे ना। क्यों चर्चा ना करें? जब हमारे पहनावे पे तुम चर्चा करती हो तो हम क्यों ना करें? अगर तुम हमारे पहनावे की चर्चा करोगे तो हम भी करेंगे। बता दूं? बताओ। कह दूं भाई, मर्दों को मेरा साथ देना है, ठीक है? बीरबानी ऊपर बैठी हुआ, मैं हाथे कैसे देगी? वहीं से डंडी दिखा रही है, वहीं से डंडा दिखा दिया है। तेरे साथ है। कह दे। कोटी जम्फर सहंगे की। चर्चा भरतार करे ना। अरे आज बुराई धोती की। धोती की? धोती पे आगे बाबा बात, आप आगे तो जी। देखे आज बुराई धोती की, तू भी बदकार करे। ऊट पटांग? हाँ, तो मतलब तो वही हो गया। ऊट पटांग का मतलब ऊट पटांग। ऊट पटांग पहुंचावेगा तू। लेकिन तू ना पहुंच रहा सात जन्म तक भी। मैं तो ऊट के घोड़े के बराबर ही हूँ, टांग तो बात बहुत दूर की बात रही। सुन ले मेरी बात। मंद कहते लोग लुंगाड़ा। कोटी पहर, अरे कोटी पहर रीझती टोलो थर आधा पेट उघाड़ा। हाँ, कोटी पहर रीझती टोलो थर आधा पेट उघाड़ा। हमें अल्लाह पर दा घना करे पिया, तमने दीन बिगड़ा। तुम धोवन हाथ जाओ जंगल में, वही बांध लो ना। लार करे ना। अरे कोटी के
हम अगर बलियान के नीचे पैंट भी पहन ले तो चलेगी, कच्छा भी पहन ले तो भी चलेगा, लेकिन बता लेकिन मेरी बात सुनो पिया, बता पिया मत ना बोल बोलिए मारा घर में तकरार करे ना। थारी कोटी के नीचे गोरी शोभा सलवार करे नार। पिया कोटी जफर से सहने की चर्चा भरदार करे ना। करी आज बुराई धोती की तू भी मेरी नार करे ना। आज बुराई धोती की तू भी मेरी नार करे ना। चाहिए जवाब दे तो रहा हूं, मुझे भी शर्म सी आ रही है जवाब देने में, पर आपके आपकी वजह से देना पड़ रहा है। ठीक है, आपकी शान को थामे हुआ हूं। ओहो शर्मदार रुक जा। क्यों? मुझे भी शर्म आ रही है तेरी करतूत बताते हुए इन दुनिया वालों को। बता तो सही, ये जो तुम पैंट पहनते हो ना, पैंट में क्या कमी है? पैंट में कमी है क्या? कमी है पैंट पहन के तुम अपने आप को हीरो समझते हो, हीरो बन ही जाते हैं पैंट पहनते ही। थोड़ी भी शर्म नहीं करते कि मोहल्ले में किसी की बहन बेटी भी रहती है, बहू भी रहती है, माँ भी रहती है। अब मैं भी कह दूंगा कुछ तो फिर तुझे भी लिहाज आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? मुझे लिहाज कोई कमी ना है अब मैं। कमी तेरे में कमी है? कमी नहीं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, क्या कमी है तेरे में? मैं तो तारीफ करूंगा, मैं कमी ना बताऊं। अच्छा मैं बताऊंगी तेरी कमी। ये बात गलत है, सच्चाई बात कह रही हो? ये बात गलत कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि मोहल्ले में किसी की बहन बेटी भी रहती है? तुम पहरो पेंट खड़े हो मुँह तो साजन गलिहारे में। थारा भिचमा सूट हवा भरती जने आ गए हो गुब्बारे में। थारा भिचमा सूट हवा भरती जने आ गए हो गुब्बारे में। थारी धोती में गांठ लगे हो नाड़ा हो मारे में। क्या कही? फिसल गया ना, फिसला ना हूं, फिर के लाऊंगा बात को घुमा कर। थारी धोती में गांठ लगे यो नाड़ा हो मारे में। छतरी सी अरे छतरी सी तने हवा लागते ही पेटी कोट थारे में। सुने छतरी सी तने हवा लागते ही पेटी कोट थारे में। पिया मत ना बोले तरारे में मेरी इज्जत ख्वार करे ना। हरी साड़ी का पल्ला खिचड़े परे ऊपर नाड़ करे ना। जफर सेंगे की चर्चा भरदार करे ना। आज बुराई धोती की तू भी मददगार करे ना। हो आज बुराई धोती की तू भी मददगार करे ना। क्या हो? जैसे कपड़े हम पहनते हैं ना ऐसे तुम कभी नहीं पहन सकते। क्यों पहनेंगे हम? जैसे हम पहनते हैं ऐसे तुम भी कभी नहीं पहन सकती। हम पहन सकते हैं लेकिन हमारे वाले कपड़े तुम नहीं पहन सकते। नहीं पहन सकती आप? हम पहन सकते हैं जी। आप भी हमारे वाले कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि मर्द और वीर को अलग अलग क्वालिटी दी है, अलग अलग शरीर दिया है, अलग अलग हिसाब किताब दिए हैं। ओ क्वालिटी? हाँ। तेरे में कौन सी क्वालिटी है? मर्दों वाली। नजर तो आती नहीं। आ जाएगी। सुन मेरी बात,
हम पावन गज का घूम घाघरा चले चाल मस्तानी। बावन गज का घाघरा पहन के चल सके जी? क्यों ना चल सके? अगर बावन गज का घाघरा पहन करके और तू यहाँ से पलवल पहुंच जा, पलवल क्या तू अगर 2 किलोमीटर ये पीछे कौन सा गांव था? लालगढ़, लालपुर। हाँ, लालपुर को भी अगर तू पकड़ जा बावन गज का घाघरा पहन करके। चलो मान लिया मैंने तेने 52 गज का घाघरा पहन भी लेगी तू, लेकिन उसकी एक क्वालिटी है, करामात मैं भी बता दू। हम 52 गज का पहरे घाघरा चले चाल मस्तानी। मस्तानी ना मस्ताती जी, रागनी की चॉइस बाद में बता दीजिए। 10-10 रुपया दे करके सम्मान बढ़ाया भाई, भाई साहब का एक बार 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 धन। 100 रुपया दे दिए, बार बार धन्यवाद। कह दो, कहिए। हम 52 गज का पहरे घाघरा चले चाल मस्तानी। तुम कई वर्ष, अरे कई वर्ष ना धोवो उसने जूतक भी पड़ जाती। तुम कई वर्ष ना धोवो उसमें जूतक भी पड़ जाती। और क्या, हम क्या कपड़े धोवे, तुम ही धोओ कपड़े। 52 गज का अगर धो भी दिया तो सूखने वाला नहीं है। अगर इतनी तकलीफ होती है 52 गज का घाघरे को गंदा देखकर तो तू धो देकर। क्यों धोंगे हम, पहनना तुम्हें। और क्या, तेरा बाप पहनो मत पहनो, बहू तेरी हूँ तो तू ही धोएगा, तेरा बाप थोड़ी धोएगा। ये देखो आजकल की बहू ऐसी है, पति पे कपड़े धुलवाएंगे, पति धोएगा। धन्य हो तू भी और तेरा पीहर भी। हाँ, मैं हाँ। कमाती हूँ दिन रात तो तू ठाली बड़ा खाता है, तू धोएगा कपड़े। मैं बराबर कमा रहा हूँ। ओह रंदे, बिल्कुल बराबर की टक्कर रंदे, दे रहा रंदे पौवे। ओहो रुक जा, बोतल बोतल सी हूँ मैं। हाँ, तो सुन मेरी बात। हम कितनी इज्जत करते हैं, श्रम करते हैं, लेकिन इज्जत ही तो कर रही है तू जो आदमी पे घघरे को धुआ रही है। और क्या, इसी लायक है तू। अच्छा, हम जेठ ससुर की कदर करे पिया करके घूंघट गाती। तम लड़ो बराबर सास ननते खोल दिखा दियो छाती। तम लड़ो बराबर सास ननते खोल दिखा दियो छाती। अरे पिया बात तेरी ना भाती, पिया बात तेरी ना भाती, मन लाचार करे ना। हाँ साच कही, अरे साच कही तो यो पूरी लाग की थर कोई इतबार करे ना। भाषा में जवाब देना पड़ रहा, कोई गलत तो नहीं है। पहले सवाल तुम इसी कह रहे थे कि तुम मर्द हो। हाँ मर्द है, लेकिन एक बात बताऊं। पूछो, तुम असली मर्द ना हो। असली कैसे हो, असली बताऊं। हाँ। दिखाऊं असली मर्द कैसे रहे। बता। जैसे हमारे दादा है, देख। ओ दादा तेरी मुस्कान देख ले। दादा जो कह रहे हैं मेरा ही छोरा है। हाँ अच्छा, देख ले। हाँ अभी तो इसके दांत ही ना निकले। सुन ले, अभी तो यू 6 साल का है बेचारा। दादा भी असली मर्द है, मैं भी असली मर्द हूँ। तू मर्द ना है, दादा मर्द कैसे है। कैसे, तुझे कहाँ संदेह हुआ? 4 बच्चों का बाप हूँ, तैने कोई मुसीबत पैदा करी अभी तक? पक्का विश्वास है कि वो तेरे ही है? हाँ मेरे ही है, पक्का विश्वास है। बिल्कुल टेस्ट करवा ले। मैं तो तुझे रोज प्रोग्रामों में देखूं। बस यही तो करामात हमारी। हाँ, तू प्रोग्राम में और घर बच्चों पे जोर है। घर बच्चे पहले वही काम किया था जो अपना, पहले औलाद पैदा करके पढ़ाने लिखाने पे छोड़ दिया, आप गाने बजाने। अरे रुक जा, सारी पोल मत खुलवा। सारी पोल नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। सुन सुना, तुम मूछ मुड़ा बनो ही जिड़े। मूछ मुड़ाते बहुत बैठे। अच्छा ढक ले तौलिया से। मूछ मुड़ीन का जिक्र आते जो है, बाकी इस तरह बेचारे ने
मूछ भगवान सिंह की मूठी हुई है देख लीजिए, वो तो मैंने ही खाती है। लेकिन तुझे भी तेरी बात का जवाब दे दूंगा, कई मेरे भाई दाढ़ी वाले भी बैठे ये देख, असली मर्द इन्हें तो मान जाएगी। चलो हमें तो मूछ, जिनके दाढ़ी मूछ है वो मर्द है, लेकिन चलो हमारी थोड़ी बहुत मूछ हल्की पड़ रही है, थारी गिनती उनमें होती है। सुनील तालान बूझी देखिए, सुनील तालान के दिल पे बीत रही है, तू उसे मत छेड़। हमारी मूछ है बिल्कुल साफ ना है, जिसके मूछ नहीं उसके, लेकिन अगर थारे बारे में भी बता दूं, सुन मेरी बात पहले, तुम मूछ मुड़ा के बनो हिजड़े, थारे शर्म नहीं से तुम हो बच्चा, दो बे बैठे देख कभी चीखने हुए। तुझे बता दूं मैं, थारा रिश्ता, मैं भी बता दूं, थारा रिश्ता इसने मूछों का जिक्र किया तो मेरी लाइन अच्छी लग जाए तो ताली बजा देना एक बार, इसको इसकी बात में जवाब दूंगा। कह तुम मूछ मुड़ा के बनो हिजड़े, थारे श्रम नहीं से तुम होट रचा, तुम होट रचा, लगो मानस खानी या भी बात सही से, तुम होट रचा के लगो ऐसा लगो, ऐसा लगो का जैसा अभी पता नहीं कहां मुंह मार कर गई। भगवान ने हमें खूबसूरती दी है, खूबसूरती लाल करने के लिए दी है, लाल होंठ कुदरती लाल होते होंठ, लिपस्टिक होठों को लाल करने के लिए बनाई है, तू लगा के दिखा, तू तो कति राक्षस सा लगेगा। हम मूछ इसलिए तो कटवानी पड़ रही है हमें, लिपस्टिक और लगा ले थोड़ी सी, लिपस्टिक हम काहे को लगाएंगे। और सुन बता, फिर क्या बता दे सही। अच्छा, तुम मूछ मुड़ा के बनो हिजड़े, थारे शर्म नहीं से, तुम होट रचा लगो मानस खानी या भी बात सही से, अरे होट रचा लगो मानस खानी या भी बात सही से, पिया समझदार थे डूब गए यो वहीं की बात वहीं से, सुखपाल से जाके, सुखपाल से जाके पूछ थारे क्या कर्मों की लिखी बही से, सुखपाल से जाके पूछ थारे कर्मों की लिखी बही से, थारी इज्जत थाम लई से, थारी इज्जत थाम लई से, बोली की मार करे ना, क्या धर्मवीर, क्या धर्मवीर ऐसी वीरों से बिल्कुल भी प्यार करे, तार करे ना, आज बुराई धोती की